गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिगर काउंट के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फिगर काउंट ट्राइंगल का पार्ट सेकंड बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे देख लें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा एडवांस लेवल का है, या यूँ कह सकते हैं हम अच्छे एग्जाम में आता है, तो इसे देख लीजिए। चलिए फिगर काउंट के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आपसे पूछेगा। आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप इनके कितने छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं उनको देख लीजिए। 1 2 3 4, कितने छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें? 9 बन रहे हैं। इसको उन्हें देख लेते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल 16 बन रहे हैं छोटे ट्राइंगल, इसमें टोटल 9 बन रहे हैं छोटे ट्राइंगल। देखिए इसका हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखिए, जब भी ऐसे हमारे सेपरेशन करके आए तो सबसे छोटे फिगर काउंट कर लीजिए, उसका फॉर्मूला लिखाइए आप 2n-5। दोनों फिगर के लिए सेम फॉर्मूला आएगा, बट n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? देखिए n की वैल्यू हो जाएगी 9, और यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूला लगा दोनों फिगर के लिए। तो 9 जब इसके लिए लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए 13, तो इसमें कितने टोटल ट्राइंगल होंगे? आंसर हो गया मेरा 13। अब जब भी मेरा ये फॉर्म क्वेश्चन आए 16, देखिए हमेशा देने का, ये जब भी ऐसे ट्राइंगल आए किसी ना किसी के स्क्वायर बने, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, 6 का स्क्वायर 36, टोटल इतने ही बनेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कोई ऐसा नंबर नहीं, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब यहाँ 16 आ गया, अब इसके लिए फॉर्मूला लाएंगे तो 16 दूनी 32, वही 2n-5, 32 - 5 इजिकल टू 27। कितना मेरा आंसर आएगा इस फिगर के लिए? टोटल कितने ट्राइंगल होंगे इसमें? इसमें 27 होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि स्क्वायर के अंदर उसके दो डायगनल्स मिला दिए गए, पूछा कि टोटल कितने ट्राइंगल फॉर्म्ड होंगे। देखिए अब मुझसे यहाँ पूरा कितने ट्राइंगल टोटल फॉर्म्ड होंगे उसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले छोटे ट्राइंगल को अगेन इसमें काउंट करो, 1 2 3 4। अब फॉर्मूला लगेगा 2n, फॉर्मूला 2n, और n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4, छोटा ट्राइंगल 4, तो 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना आ गया? 8। टोटल कितने होंगे मेरे? 8 होंगे। अब मैं इसके करता हूँ अगेन, 1 2 3 4, इसमें कितने बनेंगे? 4, और इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? यानी कि 8 इसमें बनेंगे, 8 8 16। लेकिन कॉमन पॉइंट भी देखना है मुझे, यहाँ कॉमन पॉइंट कितने बन रहे हैं? तो यहाँ एक कॉमन पॉइंट बन रहा है और 2 कॉमन पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों स्क्वायर मिल रहे हैं यानी कि +2, तो 8 8 16 17 18, टोटल कितने ट्राइंगल होगा इसमें? टोटल इसमें ट्राइंगल हो गए 18। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे फिगर की बात करता हूँ। अगेन देखिए इसमें मेरे 8 बनेंगे प्लस इस फिगर में मेरे 8 ही बनेंगे 2n वाले फॉर्मूले से, प्लस इस फॉर्मूले मेरे 8 बनेंगे, लेकिन कितने कॉमन पॉइंट है ये और देखिए, एक कॉमन पॉइंट ये आ रहा है, एक कॉमन पॉइंट ये आ रहा है, कि 2 कॉमन 2 प्लस, यहाँ 2 कॉमन पॉइंट ऐड हो जाएंगे, और ये कॉमन पॉइंट आ रहा है जिसमें यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं ट्राइंगल, तो 2 प्लस, तो 8 8 16 8 24 24, और +2 दूनी 4 24 प्लस 4 28, टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे मेरे? 28। ठीक है फ्रेंड, अब ये फिगर काउंट का मैंने आपको ट्राइंगल का पार्ट सेकंड बता दिया है। इसका फिगर काउंट का ट्राइंगल का थोड़ा एक एडवांस लेवल और पार्ट थर्ड देखेंगे हम, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी खुद की ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ, ई एजुकेशन लेक्चर नाम से है। देखिए चलिए मैं आपको वहाँ पे वीडियो के ब्रीफ जहाँ होता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिख देता हूँ अपनी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आपको कैसी भी प्रॉब्लम आप उस पर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन करके आपको रिवर्ट कर दूँगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, हैव अ नाइस डे।